दोस्तों Realme 7 सीरीज का स्मार्टफोन का जो लॉन्चिंग डेट है वो एकदम बिल्कुल तय हो चुका है। 3 सितंबर को आपको एक्सक्लूसिवली ऑन Flipkart मिल जाएगा। और इसका जो स्पेसिफिकेशंस क्या क्या होने वाला है, क्या क्या फीचर्स इसमें मिलने वाला है, ये सब बताने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। तो वीडियो के आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही टेक्नोलॉजिकल वीडियो और स्मार्टफोन रिलेटेड वीडियो मैं अपना चैनल में अपडेट करता रहे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले साइज़ का। डिस्प्ले साइज़ यहाँ पे आपको Realme 7 और Realme 7 Pro में 6.67 इंच का IPS LCD डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन आपको 1800x2400 FHD प्लस डिस्प्ले रेजोल्यूशन होने वाला है। और यहाँ पे अगर प्रोसेसर का बात किया जाए तो दोस्तों यहाँ पे प्रोसेसर MediaTek Helio G90T यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपके Realme 7 में। और Realme 7 Pro में आपको Snapdragon 765 का प्रोसेसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दोनों का दोनों फ़ोन में आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे एक ही सिर्फ डिस्प्ले में डिफरेंस आपको नज़र आएगा, वो है सेल्फी कैमरा का। जी हाँ दोस्तों, सेल्फी कैमरा यहाँ पे Realme 7 में आपको देखने को मिल जाएगा। सामने की तरफ सिंगल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा और Realme 7 Pro में आपको डुअल सेल्फी कैमरा सामने की तरफ देखने को मिल जाएगा। Realme 7 में आपको सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का सिर्फ एक ही कैमरा मिल जाएगा और 7 Pro में आपको 16 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल दो कैमरा का सेटअप आपको सेल्फी में देखने को मिल जाएगा। और रियर कैमरा की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 64 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल कैमरा दोनों स्मार्टफोन में मिल जाएगा Realme 7 और 7 Pro में। यहाँ पे अगर बैटरी का बात करते हैं तो दोस्तों दोनों फ़ोन में ही ज़बरदस्त बैटरी दिया गया है। Realme 7 में आपको सिर्फ और सिर्फ 4500 mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगा और 7 Pro में आपको 6000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगा। दोनों के दोनों स्मार्टफोन में आपको डुअल सिम मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे छोटा सा एक डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। Realme 7 आपको 4G के साथ आता है और Realme 7 Pro आपको 5G के साथ रेडी इन द बॉक्स आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर एंड्रॉयड सिस्टम का अगर यहाँ पे बात करें तो एंड्रॉयड यहाँ पे 10 देखने को मिल जाएगा दोनों में और Realme UI के साथ ये आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलने वाला है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दोनों स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन मेरा दिमाग में एक ही चीज़ आ रहा है, अभी इतना स्मार्टफोन का ज़माना इतना स्मार्ट हो चुका है लेकिन अभी भी ये लोग जो है फिंगरप्रिंट सेंसर अगल बगल में ही रख रहे हैं, इन डिस्प्ले नहीं कर रहे, तो ये एक मुझे अच्छा चीज़ नहीं लगा। और एक चीज़ यहाँ पे आपको 3.5 mm ऑडियो जैक दोनों फोन्स में ही देखने को मिल जाएगा। और एक सबसे बढ़िया चीज़ जो बढ़िया चीज़ मुझे लगा वो है कि 65 वाट का फास्ट चार्जर आपको दोनों फोन्स में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कंपनी का दावा कर रहे हैं दोस्तों कि अगर आप इस फ़ोन को 3 मिनट चार्ज करोगे तो आप 3.5 घंटा कॉल कर पाओगे, 2.5 घंटा आप मूवी देख पाओगे और 13.2 आवर्स आप म्यूज़िक प्ले कर पाओगे और 3 राउंड पबजी खेल पाओगे। जी हाँ दोस्तों, ये सब चीज़ अब अलग अलग नहीं, मतलब किसी एक चीज़ को आप ऐसे करके काम कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट चार्ज करने के बाद। आप तो आप सोच ही सकते हो कि कितना पावरफुल चार्जर यहाँ पे दिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों प्राइसिंग का। प्राइस का अगर बात करते हैं तो Realme 7 जो कि 6 GB है उसका प्राइस लगभग 13,999 होने वाला है। और Realme 7 Pro का अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 6 128 GB का 17,999 का प्राइस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और ये आपको एक्सक्लूसिवली ऑन Flipkart मिल जाएगा 3 सितंबर को, Flipkart पे आपको सेल मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि ऐसे ही टेक्नोलॉजिकल वीडियो और रिव्यू और अनबॉक्सिंग रिलेटेड वीडियो मैं अपना चैनल में अपडेट करता रहता हूँ, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।